हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखेंगे। तो 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है, एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ऑन टाइम में एक 16 बिट इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर 16 बिट डेटा बस रहता है एंड 20 बिट एड्रेस बस रहता है। 20 बिट एड्रेस बस, उसका मतलब क्या हो गया, 2 to the power 20, यानी ऑन एमबी मेमोरी को वो एक्सेस कर सकता है। 8086 जो माइक्रोप्रोसेसर है वो पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मान लीजिए एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पे आपको रेड ग्रीन येलो ये जो लाइट होता है उसको आपको ऑटोमेटिक शो कराना है। तो इसके लिए आप एक कोड लिखेंगे, उस कोड को एग्जीक्यूट कौन करेगा, माइक्रोप्रोसेसर। तो ये जो माइक्रोप्रोसेसर कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये 3 स्टेप में करता है। क्या वो स्टेप है, पहले उस कोड को ये फेच करेगा। हम जो कोड लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। तो उस कोड को सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, इसलिए माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उस कोड को फेच करेगा। फेच करके उसको डीकोड करेगा, यानी उस कोड को 0 1 0 ऐसा फॉर्म में लाएगा, एंड डीकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो माइक्रोप्रोसेसर जो 3 स्टेप में फॉलो करते हैं, क्या हुआ, सबसे पहले फेच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। इस 3 स्टेप को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक 8086 माइक्रोप्रोसेसर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो क्या होता है, हमारा जो कोड है वो मेमोरी में रहता है, मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर कोड को लेता है, एक टाइम पे 16 बिट कोड को लेता है, क्योंकि ये 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। देन उस कोड को यहाँ पे लेके आता है एंड सीयू के पास लेके आता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। एंड इस कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस कोड को डिकोड करता है, डिकोड करके भेजता है हमारा यहाँ पे इस यूनिट पे भेजता है। एंड ये जो यूनिट है ये क्या करता है, उस डिकोड किया हुआ कोड को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करके किसको पास भेजता है, कंट्रोल यूनिट के पास वापस भेजता है, एंड कंट्रोल यूनिट उसको आउटपुट में शो करा देता है। तो ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी से जब 16 बिट का कोड ले रहा है एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एट ए सेम टाइम वहां पे फिर से दोबारा दूसरा कोड फेच हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि पहले फेच किया फिर एग्जीक्यूट किया, फिर से गया फेच करने फिर से एग्जीक्यूट किया, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो 8086 क्या करता है, जब यहाँ पे एक एग्जीक्यूट होता है एट ए सेम टाइम यहाँ पे फेच भी चलता है, फेच करके यहाँ पे रख देता है। ये जो 6 बाइट मैंने लिखे हैं यहाँ पे कोड यहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन चलता है, जब यहाँ पे डिकोड चलता है, तब एट ए सेम टाइम यहाँ पे फेच किया हुआ रहता है एंड यहाँ पे लाइन वाइज उसको फेच करके रखा हुआ रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है पाइप लाइनिंग। यानी 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पाइप लाइनिंग को सपोर्ट करता है। इस पाइप लाइन को वजह से ये जो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसको 2 मेन यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकेंड यूनिट है एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी शॉर्ट में बोले तो BIU एंड EU। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर का 2 मेन यूनिट। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रजिस्टर, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, रजिस्टर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ES यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद आता है कोड सेगमेंट, देन स्टैक सेगमेंट, देन डेटा सेगमेंट एंड IP मींस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये सब क्या है, रजिस्टर है। एंड यहाँ पे AH AL इसको मिला के कहा जाता है AX जो है टोटल 16 बिट का है, AH 8 बिट का, AL 8 बिट का, 8 + 8 = 16, तो 16 बिट का रजिस्टर। पहले मैंने बताया था कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, तो 8 bit + 8 bit। सिमिलरली BH भी 8 बिट का है, BL भी 8 बिट का है, दोनों को मिलाकर होता है BX जो कि 16 बिट का है। सिमिलरली CB एंड DH DL भी। तो ये जो आपको मैंने 4 बताया, AX BX CX एंड DX, इसे कहा जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है SP BP SI एंड DI, इसे कहा जाता है ऑफसेट रजिस्टर। एंड ये जो IP दिख रहा है ये भी ऑफसेट रजिस्टर ही है। एंड पहले का जो 4 है इसे कहा जाता है सेगमेंट रजिस्टर।
अब इसका नाम तो पता कर लिया, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर है, कौन सा ऑफसेट रजिस्टर है, कौन सा जनरल पर्पस रजिस्टर है, लेकिन रजिस्टर काम क्या करता है? तो हमारा जो रजिस्टर है वो क्या करता है, ये जो मेमोरी में कोड लिखा हुआ है फिजिकली वो कोड कहाँ पे है उसे बताता है ये रजिस्टर। मान लो मैंने बताया कि एक बुक है उसका थर्ड चैप्टर का 5 पेज आपको ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, थर्ड यानी 3 इंटू हर एक चैप्टर के लिए कितना पेज है इंटू उस, मान लो 10 पेज है तो 3 इंटू 10 प्लस 5, क्योंकि आप हमने बताया कि थर्ड चैप्टर का 5 पेज। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेगमेंट रजिस्टर है वो मान लो एक एक सेगमेंट एक एक चैप्टर है, एंड जो 5 पेज मैंने बताया वो ये ऑफसेट रजिस्टर है, जैसे कि आईपीबी एक ऑफसेट रजिस्टर हो गया। तो हमारा जो कोड है फिजिकली कहाँ पे है वो पता कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से उसको पता करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। इस रूल को अच्छे से याद रखना चाहिए, यह सेमिस्टर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एंड काफी सारे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो फिजिकल एड्रेस इक्वल टू क्या हो गया, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो लिखा हुआ है कि मूव AX,3, मूव BX,4, एड AX एंड BX। तो इस कोड को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो मूव AX,3 मतलब AX रजिस्टर में 3 डाला हुआ है एंड BX रजिस्टर में 4 डाला हुआ है। अच्छा, जनरल पर्पस रजिस्टर मतलब हम जो कोड लिख रहे हैं मतलब जो यूजर है उसके लिए इस रजिस्टर को रखा गया है। तो मैंने क्या किया, एक कोड लिखा मूव AX,3, तो AX में स्टोर हो गया वैल्यू 3, एंड मूव BX,4 तो BX में वैल्यू स्टोर हो गया 4। अब मैंने एक कमेंट लिखा क्या, एड AX एंड BX यानी 3 एंड 4 को ऐड करना है। तो क्या होगा, AX रजिस्टर से 3 यहाँ पे जाएगा ALU में एंड BX रजिस्टर से यहाँ पे जाएगा ALU में 4 का वैल्यू, तो 3 एंड 4 यहाँ पे आ गया। फिर ALU क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, मैंने मतलब उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास एंड कंट्रोल यूनिट उसको आउटपुट में दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन कैसे होता है, ALU कैसे परफॉर्म करता है वो हमने बता दिया। अब हम देखते हैं ये जो ऑपरेंस लिखा हुआ है ये ऑपरेंस क्या होता है। ऑपरेंस बेसिकली होता है टेम्पोररी रजिस्टर। अब टेम्पोररी रजिस्टर मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है एक्सचेंज BX,X, मतलब AX का वैल्यू BX में डालना है एंड BX का वैल्यू AX में डालना है। तो अगर हम डायरेक्टली AX का वैल्यू BX में डालेंगे तो BX का वैल्यू तो गायब हो जाएगा, क्योंकि BX में तो अभी AX का वैल्यू आ गया, तो BX का वैल्यू तो नहीं रहेगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम AX का वैल्यू टेम्पोरारी रजिस्टर में भेज देते हैं, तो AX हमारा खाली हो गया। अब हम AX में BX का वैल्यू को डाल देंगे, तो अब हमारा BX खाली हो गया। अब टेम्पोररी रजिस्टर में जो हमने AX का वैल्यू पहले रखे थे उस AX का वैल्यू हम BX में रख देंगे। तो ऐसे हमारा टेम्पोररी रजिस्टर दो वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पिन डायग्राम देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।